उन्हें तत्काल वापस लिया जाए और किसानों को उनका हक दिलाया जाए, उनको मेहनत और लागत के अनुसार उनकी उपज की कीमत दिलाई जाए। इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के साथ शोषण करेंगे, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करेंगे, इसलिए उन कानूनों को वापस लिया जाए, किसान के हितों में कानून बनाए जाएं। इसके लिए समाजवादी पार्टी आज किसानों के समर्थन में सड़क पर है और उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ संघर्ष। नेताजी कई दिनों से किसानों का संघर्ष चल रहा है लेकिन केंद्र सरकार को कानून तक नहीं। अब समाजवादी पार्टी मैदान में आई है, हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जब सहयोग करेगी तो किसान सरकार मजबूर हो जाएगी। तो है कि पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेक रही है, ये तो अब उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, तो ये बातें तो राजनीतिक है कहीं जाती। लगातार किसानों का कई दिनों से आंदोलन चल रहा है लेकिन मगर सरकार की कानों पर जरा भी कहते हैं कि जरा भी ऊंचा सुनने लगी है, इस बारे में क्या कहेंगे? और जब आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हो तो वो कहती है कि राजनीति पार्टी आप रोटी सेक रहे हो। चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है मुद्दे से भटकाना, वहीं आ जाओ। जब उन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2014 में, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े उद्योगपति और बड़े घराने लोगों को और कैसे मजबूत किया जाए, उनके मजबूती के लिए कृषि विधेयक जो कृषि कानून लेकर आए हैं ये किसानों के डेथ वारंट जैसा है। और रही बात उनके कानों पर जू रेंगने की, तो आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब जब जुल्म बढ़ा है, जब जब आतंक बढ़ा है तो उसका अंत हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी का लास्ट आतंक चल रहा है, अंत की तरफ है ये। अभी आप लोगों ने देखा, समझदार लोग और पढ़े लिखे लोगों ने जवाब इन्हें दिया और बौखला गए थे ये, लेकिन हम आज कहना चाहते हैं कि इनकी ये बौखलाहट इस MLC की बौखलाहट नहीं थी, इन्हें ये डर आज हो गया कि 2022 में उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जा रही है। और चूंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, हम मानते हैं कि आज ये काले कानून लेकर आ जाएंगे लेकिन भविष्य में जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो कानून को जो पलटना पड़ेगा और किसानों के हित में जो निर्णय लेने होंगे, जहाँ किसान खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, महिला सुरक्षित हो, पढ़ाई और दवाई मुफ्ती हो, सिंचाई मुफ्ती हो, ऐसे कानून लाएंगे। अगर अडानी अम्बानी का होता तो इतने दिन चलता क्या? नहीं, अडानी अम्बानी आंदोलन नहीं करते, वो तो सीधे फाइलों पे जाके साइन कराते हैं PM हाउस में जाके, उन्हें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? और अडानी अम्बानी ये कोई 200 साल के लिए नहीं है, हमने पहले भी कहा है जब देश से अंग्रेज भाग गए तो ये अंग्रेजों की पार्टी कह सकते हैं, जो ये अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी है, इसको भी समाजवादी लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे।